नमस्ते, मेरा नाम विश्वजीत दास। मैं त्रिपुरा अगरतला से आया हूँ। मेरा पैंक्रियास का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत दर्द हो रहा था। 3-4 दिन से त्रिपुरा में कोई दर्द का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। फिर मैं अशोदा हॉस्पिटल में आया। उसके बाद शरदचंद्र सर ने मेरे को ट्रीट किया। अब मैं बहुत आगे से ज़्यादा बहुत स्वस्थ हूँ। कोई दिक्कत नहीं है पेट में, बहुत अच्छा हूँ। अभी हम इधर 3-4 दिन रह चुका हूँ। उसके पहले 3 दिन बीमार था त्रिपुरा में। इधर में 3 दिन में मैं रिकवरी हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम रणवीर दास है। मैं तेलियामुरा से हूँ, बेसिकली अगरतला त्रिपुरा से। तो मैं मेरा भाई, छोटा भाई को लेके जशोदा में आया था। मेरा छोटा भाई को पैनक्रियाटिक्स का प्रॉब्लम हुआ, तो वो 4-5 दिन से वो मेडिकल कॉलेज में था, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन उधर से उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। तो डॉक्टर लोगों ने उधर से हमें बताया गया है, कोई होप नहीं है उसको, मतलब वो बच सकता है ऐसा उन्होंने बताया नहीं। बोल रहा है कि उनका तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस है। वो डॉक्टर को उधर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। तब हमने डिसीजन लिया कि उसको बाहर ले जाना है। तो कहाँ जाऊँ, इस टाइम में मेरे को जशोदा का याद आया। तो मैं कॉन्टैक्ट किया जशोदा की टीम से, तो तुरंत उन्होंने बोला कि भेज दो। तो हमने उधर से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। तो हम रात को पहुँचे, तो इधर से जशोदा का एम्बुलेंस जाके हमको ले आया, रिसीव किया। उसके बाद हमने डॉक्टर शरदचंद्र सर से कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो वो 3 दिन में अभी मतलब हम लोगों को इतना इम्प्रूवमेंट देगा, मतलब आप मैं हम लोग कह नहीं सकता। जो हमारा वहाँ पर जो होप नहीं था, मतलब वो बताया गया कि उसका कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है। मतलब मोर्टैलिटी रेट उधर बताया गया हमें कि 50% है ऑलरेडी। तो शरदचंद्र सर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। वो सर ने 3 दिन में इसको मतलब सुस्त कर दिया। अभी वो खाना खा सकता है, चल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर शरदचंद्र सर ने भी बहुत हेल्प किया। सर का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। हम लोग बहुत टेंशन में थे, क्या होगा। 2 दिन बीत रहा था, तो सर ने आके हमें हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा। तो सर के भरोसे की वजह से हम भी थोड़ा स्ट्रांग हो पाए। सर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और भगवान की कृपा से वो अभी सुस्त हो गया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, सर का बहुत मतलब बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, और जैसे कि हम लोग फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं ऐसा लगा। और जशोदा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, नर्स लोग बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ का जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, जो सब मतलब सब हमने हमको इतना कोऑपरेटिव किया कि मुझे हमको कभी लगा ही नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल में है। हम लोगों को लगा जैसे हम लोग 5-स्टार होटल में रह रहे हैं। सब कुछ यहाँ का फैसिलिटी इतना अच्छा है, मैं बोल के आपको वो बयां नहीं कर पाऊँगा। हाई, आई एम डॉक्टर शरदचंद्र गोरंटला, कंसल्टेंट मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड एडवांस थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट। I am thrilled to share a story of a 28-year-old male patient who was diagnosed with acute severe pancreatitis secondary due to alcohol, and he also had jaundice. It was diagnosed in Agartala, and there they gave very bad prognosis and grave prognosis to the patient and patient attenders. So the patient has shifted here for further management to our hospital, that is Hitech City Yashoda. So on the day of arrival, he is in very bad shape with severe abdominal pain, and the pain is constantly worsening. And along with that, he also developed fever, shortness of breath, and fluctuating oxygen saturations. So on the above condition, we started him evaluating with X-ray. So we found there was a pneumonic patch and LERDS picture,
and appropriate ultrasound scan, blood investigations were done, and acute pancreatitis with LARDS with aspiration pneumonia was diagnosed and treated accordingly, and he recovered remarkably. So once we diagnosed the acute pancreatitis with ARDS and pneumonia, without wasting time, we started ulinastatin, a anti-inflammatory trypsin inhibitor, which decreases the inflammation in the body, as well as it decreases the ARDS progression and mild pancreatitis to severe pancreatitis also it inhibits. Along with that, we also started him on octreotide, which decreases the pancreatic secretions. So with these two medication, the pancreatitis and ARDS has recovered. And along with that, for pneumonia and fever, we started him on broad spectrum antibiotic like imipenem, cilastatin, which has better penetration to the pancreas, and as well as clindamycin for community acquired pneumonia coverage. So we started these two antibiotics. Over the next 48 to 72 hours, the patient became febrile and his saturations were improved, and without oxygen, he's maintaining saturation of around 95-96. So over the period of next 2 to 3 days, he was completely febrile and he was able to eat food, and oxygen was perfectly all right on room air. So he was discharged in a perfect condition with a smile on his face. So this is all about the story about this 28-year-old chap with acute severe pancreatitis. If we identify this disease and if we manage in appropriately in early stages, we can prevent the complications, including death of the patients. Thank you.